मेरा नाम संजीव कुमार है, संजीव कुमार मेरा, और कई सालों से ही आ रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। हर साल हमारी सेवा जारी है यहाँ पे, और सावन में भी 40 के 40 दिन जो भी मनोकामना सबकी है सबकी पूरी होती है यहाँ पे। और नाग नागिन का जोड़ा है, आता है दर्शन देके जाता है, और कई लोग कहते हैं भी हर साल निकलता है और हर साल आता भी है, दर्शन देके जाते हैं। और यहाँ पे तो कई जन सेवा करते हैं यहाँ पे, यहाँ हमारे यहाँ पे 40-50 बंदा आता है सेवा करने, वो 3 दिन पहले ही लग जाते हैं शिवरात्रि के, और सावन के बाद भी 40 बंदे बहुत इकट्ठे रहते हैं, पूरे सावन चलता है यहाँ पे सेवा, पूरा जोर जमाज चलता है जी। दावतों से शिवरात्रि आ रही है, क्या कुछ मंदिर का इतिहास और क्या कुछ तैयारी? ये मंदिर 1844 का है और बड़ी दूर दूर से भगत जन आते हैं, उसे यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, सजावट की जा रही है, और सब भगत जो है शिवरात्रि वाले दिन यहाँ आते हैं, और श्रद्धा और श्रद्धालु जो है श्रद्धा रखते हैं। जय श्री राम। क्या कुछ मान्यता है उस दिन? इस मानता यह है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी कामना पूर्ण होती है और शंकर भगवान की कृपा करते हैं। जय श्री राम। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर हर बार शिवरात्रि पर सांप का जोड़ा भी है। उन जो शंकर जी का जो है सांप का जोड़ा जो है शिवरात्रि वाले दिन जो है अपने हाथ जो सवेरे से निकल जाता है। जय श्री राम। मेरा नाम ध्रुव है और मंदिर में हम यहाँ आते हैं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से, हम अम्बाला के ही रहने वाले हैं और यहाँ पे हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पे हम रोजाना आते हैं, जब भी मन हो कभी और किसी का भी मन हो वो आए यहाँ पे अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मेरा नाम संजीव कुमार है, संजीव कुमार मेरा, और कई सालों से ही आ रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। हर साल हमारी सेवा जारी है यहाँ पे, और सावन में भी 40 के 40 दिन जो भी मनोकामना सबकी है सबकी पूरी होती है यहाँ पे। और नाग नागिन का जोड़ा है, आता है दर्शन देके जाता है, और कई लोग कहते हैं भी हर साल निकलता है और हर साल आता भी है, दर्शन देके जाते हैं। और यहाँ पे तो कई जन सेवा करते हैं यहाँ पे, यहाँ हमारे यहाँ पे 40-50 बंदा आता है सेवा करने, वो 3 दिन पहले ही लग जाते हैं शिवरात्रि के, और सावन के बाद भी 40 बंदे बहुत इकट्ठे रहते हैं, पूरे सावन चलता है यहाँ पे सेवा, पूरा जोर जमाज चलता है जी। दावतों से शिवरात्रि आ रही है, क्या कुछ मंदिर का इतिहास और क्या कुछ तैयारी? ये मंदिर 1844 का है और बड़ी दूर दूर से भगत जन आते हैं, उसे यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, सजावट की जा रही है, और सब भगत जो है शिवरात्रि वाले दिन यहाँ आते हैं, और श्रद्धा और श्रद्धालु जो है श्रद्धा रखते हैं। जय श्री राम। क्या कुछ मान्यता है उस दिन? इस मानता यह है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी कामना पूर्ण होती है और शंकर भगवान की कृपा करते हैं। जय श्री राम। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर हर बार शिवरात्रि पर सांप का जोड़ा भी है। उन जो शंकर जी का जो है सांप का जोड़ा जो है शिवरात्रि वाले दिन जो है अपने हाथ जो सवेरे से निकल जाते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम ध्रुव है और मंदिर में हम यहाँ आते हैं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से, हम अम्बाला के ही रहने वाले हैं और यहाँ पे हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पे हम रोजाना आते हैं, जब भी मन हो कभी और किसी का भी मन हो वो आए यहाँ पे अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं।